गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और आज क्लास 11 की वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर नंबर 6 ब्राउनिंग वर्जन क्या है, ब्राउनिंग वर्जन और चैप्टर नंबर 6 इसका नाम ये क्यों है, राइटर कौन है। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं राइटर्स पे। राइटर कौन है, राइटर है टेरेंस रेटिकन्स जो है। ये प्ले इन्होंने लिखा था और ये बड़ा फेमस प्ले रहा है इनका, ब्राउनिंग वर्जन। ये इसी प्ले से फेमस भी हुए, इसी प्ले से ये फेमस हुए थे। और ब्राउनिंग वर्जन कब लिखा था इन्होंने, और ब्राउनिंग वर्जन एक बहुत बड़ा प्ले है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपकी बुक में ले रखा है, एक छोटा सा सीन। ये प्ले है, नाटक जो किया जाता है, बहुत बड़ा नाटक है, एक छोटा सा पार्ट उसका दे रखा है। जो रियल प्ले है उसकी स्टोरी बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट करेगी इससे, उसमें असली में दे रखा है क्या क्या है। अगर नेट पे सर्च करोगे आप रियल प्ले की स्टोरी, तो वो अलग है। उसमें मिली फ्रैंक से प्यार भी करती है, जो दूसरा टीचर है, पर फ्रैंक को नहीं पता है। और क्रॉकर हैरिस बुड्ढे हैं, थोड़े मिडिल एज हैं, इसकी वाइफ थोड़ी यंग है, और टेफलो लास्ट डे है स्कूल का। काफ़ी चीज़ें अलग मिलेंगी, पर हम बात करेंगे 11th क्लास में क्या दे रखा है बुक में, ब्राउनिंग वर्जन में। तो चलते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। पहले सबसे पहला कैरेक्टर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो ये स्कूल के टीचर है, इन्हीं के ऊपर एक प्ले घूमेगा जो आपके बुक में दे रखा है। मेन कैरेक्टर है और स्ट्रिक्ट टीचर है ये, स्ट्रिक्ट टीचर और मैन ऑफ प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों के आदमी, सिद्धांतों से वसूलों से सौदा नहीं करने वाले और मेहनत करते हैं। लेकिन ये लास्ट डे है इनका स्कूल में, लास्ट डे है, लेकिन लास्ट डे पर भी वही मेहनत जो फर्स्ट डे पर थी, ये उस तरीके के टीचर है। दूसरे हैं मिस्टर फ्रैंक, ये यंग टीचर है, इनकी एज यंग है, और यंग टीचर थोड़े फ्रैंक है, फ्रैंक नाम भी, और ये बड़े फ्रैंक है और मिडिल यंग एज है, तो ये स्टूडेंट से बड़े फ्रैंक रहते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर है। टैपलो स्टूडेंट है, जिसकी कहानी टैपलो और मिस्टर क्रॉकर हैरिस की ही कहानी जाएगी। ये मिली क्रॉकर हैरिस, ये वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, इनका भी एक छोटा सा पार्ट है लास्ट में। तो स्टोरी पे आ जाता हूँ मैं, स्टोरी क्या है, स्टोरी शुरू होती है और टैपलो अपने टीचर के लिए वेट कर रहा है। कौन से टीचर के लिए, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए। कुछ एक्स्ट्रा काम मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैपलो को दिया है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिन एब्सेंट था स्कूल में, तो इसलिए एक्स्ट्रा काम दिया है। सारे बच्चे चले गए हैं, टैपलो अकेला है, और वो बेचारा अपना एक्स्ट्रा काम लेके मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है। 6:30 बजे उन्होंने बोला था आने को, और 6:30 बज चुके हैं, अभी भी नहीं आए, 6:40 हो गए। लेकिन दूसरे टीचर आ जाते हैं जिनका नाम है मिस्टर फ्रैंक, वो कहते हैं अरे डू यू नो मी, बातचीत उनकी होने लगती है। नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, कहते हैं मैं साइंस, मिस्टर फ्रैंक साइंस के टीचर है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ तुम्हारे स्कूल में, और तुम यहाँ किसका वेट कर रहे हो। सर मैं अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था। ओ, तुम्हें रुकने के लिए कहा था 6:30 बजे, अब तो 6:40 हो गए, चले जाओ, तुम क्या कर रहे होते अरे यहाँ इतना वेट कर रहे हो, अब तो चले जाओ, 6:40 हो रहे हैं। और फ्रैंक कहता है यस सर, मैं भी अगर यहाँ ना होता तो मैं भी गोल्फ खेल रहा होता, यहाँ पे सर का वेट कर रहा हूँ। और मिस्टर फ्रैंक जो है वो अंदर से जेलस फील करते हैं कि यार मिस्टर क्रॉकर हैरिस का लोग बच्चे इतना सम्मान कैसे करते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर है, इतना उसमें रहता है, डिसिप्लिन है, इनह्यूमन है, लेकिन फिर भी ये इतनी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं बच्चे। और वो कहता है यार इतनी लेट तुम, बाकी तुम्हें इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। कहते सर मेरा इंटरेस्ट तो साइंस में है, मैं साइंस लेना चाहता हूँ, साइंस स्ट्रीम। शायद उसने अभी स्ट्रीम चूज नहीं किया, इंडिया में तो होता है 11th में स्ट्रीम लेते हैं, लेकिन वो कहता है मैंने स्ट्रीम चूज नहीं किया। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं अच्छा तुझे साइंस लेना है, साइंस में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट है साइंस में। कहता है यस सर मैं साइंस करना चाहता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है साइंस, और मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहता हूँ, जो मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, ये स्टोरीज हैं, वॉट एवर स्टोरीज आर बीइंग रेड, जो भी स्टोरी मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे पसंद नहीं आती, या तो जिस तरीके से वो हमारे स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो मुझे पसंद नहीं, और आप भी जानते हैं हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स हैं। और फ्रैंक कहने लगता है अच्छा मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहे हो, कल रिजल्ट भी है, तुम्हें तो रिजल्ट पता लग गया होगा, तुम आज्ञाकारी स्टूडेंट, तुम्हें तो बता दिया होगा। कह नहीं सर आपको क्या पता हमारे टीचर कैसे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो तो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, कल रिजल्ट है तो कल ही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आज बता देंगे। अच्छा तो तुम्हें बताया नहीं, फ्रैंक कहता है अच्छा तुम्हें रिजल्ट नहीं बताया, तो ऐसा तो हो जाता है, कौन फॉलो करता है रूल्स। कहता नहीं हमारे सर फॉलो करते हैं। तो फ्रैंक कहता अच्छा फिर तुम्हें तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा काम सर के लिए वेट कर रहे हो, और ये सर कहता नहीं सर हमारे सर ऐसे नहीं है। नकल थोड़ी मिमिक करते हुए कहता है टैपलो मिमिक करते हुए कहता है वो मुझसे कहेंगे कि टैपलो तुम्हें क्या लगता है, तुम जितना डिजर्व करते हो तुम्हें उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ना उससे कम ना ज़्यादा। और फ्रैंक पे बात थोड़ी अच्छी लगती है, जब फन दूसरे टीचर का होता है तो उसे पसंद आता है, ठीक है थोड़ा फन कर रहा है इसका, तो टीचर में जेलसी वाली बात फ्रैंक को थोड़ा लगता है। तभी बीच में मिली, ये लास्ट सीन है, मतलब बड़ा शॉर्ट किया समझी को, मिली आ जाती है, और मिली क्रॉकर हैरिस जो उनकी वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, वो आ जाती है, और वो पीछे देखता है फ्रैंक, मिस्टर फ्रैंक पीछे देखते हैं, और वो खड़ी हुई है
और टैप्लो मिस्टर फ्रैंक से कहता है अच्छा इन्होंने सुन तो लिया हमें जो हम जो बात कर रहे थे इतनी देर से। मिस्टर फ्रैंक कहता है शायद यार सुन लिया, शायद सुन लिया उन्होंने, और फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। तभी मिली क्रॉकर आके आती है और कहती है अभी तक तुम यहाँ वेट कर रहे हो तो तुम जाओ अपना, क्या कहते हैं तुम जाके, हो गया टाइम तो हो ही गया शायद 6:30 कहा था आने को, तुम ऐसा करो चले जाओ। तो टैप्लो कहता है नहीं मैम मैं नहीं जा सकता, सर ने मुझे वेट करने को कहा था, सर क्या करेंगे मैं नहीं कर सकता। तो मिली कहती है नहीं नहीं ऐसा करो मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, उनके पास बास्केट का मार्केट से आई है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का होता है, और मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन को टैप्लो को देती हैं और कहती हैं कि ये कुछ दवाइयाँ हैं मेरे लिए, तुम जाके ले आओ और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम भी इससे फ्री हो जाओगे, और अगर वो आ गए तो मैं कह दूंगी कि मैंने ही अपने काम के लिए भेजा था, तो तुम भी फ्री हो जाओगे, तुम चले जाओ ये प्रिस्क्रिप्शन लो। और वो टैप्लो उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके चला जाता है, वो फ्री हो जाता है, यहीं पे ये प्ले एंड हो जाता है। प्ले बहुत बड़ा है मैंने बताया वर्जन टेरेंस रेटिगन्स का, लेकिन ये बहुत छोटा सा हिस्सा आपके बुक में दे रखा है। ये कहानी एक स्टूडेंट की है जो टैप्लो जो दिखाता है कि एक टीन एज में स्टूडेंट कैसे होते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती है टीचर्स के लिए, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। एक कहानी ऐसे टीचर की है जो टीचर मैन ऑफ प्रिंसिपल है, वो स्ट्रिक्ट है, पहले दिन भी वैसे था, स्कूल में लास्ट दिन है अब भी वैसे ही है, अब भी उसी हार्डवर्क के साथ है। जब आप हार्डवर्क के साथ होते हैं उसी तो आप सक्सेसफुल होते हैं। एक कहानी मिस्टर फ्रैंक की भी है जो अनदर टीचर, ऐसे भी लोग हैं जो जब किसी की तारीफ हो, जब किसी की बड़ाई हो तो जेलसी फील थोड़ी तो होती है। एक वाइफ की कहानी है मेरी, बहुत बड़ा प्ले है जिसमें ये धोखा भी देती है मिस्टर क्रॉकर है इसको, सी इज इन विद द लव अफेयर विद द मिस्टर फ्रैंक। आप पूरा प्ले में पढ़ेंगे। सो टेक वाज द चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की, छोटे छोटे क्वेश्चंस ब्राउनिंग वर्जन के जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड टैप्लो मीट फ्रैंक। टैप्लो जो था वो फ्रैंक से काम मिला जो साइंस के टीचर, तो टैप्लो को कुछ एक्स्ट्रा काम दिया गया था मिस्टर क्रॉकर हैरिस के द्वारा, सम एक्स्ट्रा वर्क वाज गिवन बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड ही वाज इन अ स्कूल देयर इन द स्कूल टैप्लो मीट फ्रैंक। वहीं पे ही फ्रैंक आते हैं और टैप्लो मिलता है स्कूल में, जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज मिस्टर फ्रैंक एनवी मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस से मिस्टर फ्रैंक क्यों थोड़ा एनवी जेलसी फील करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज द वे स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिंग मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसे फील होता है, और एक बात ये भी लगती है कि वो उसने तो रिजल्ट एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया और मिस्टर क्रॉकर ने नहीं किया है, फिर भी स्टूडेंट जो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसे, दैट इज व्हाई ही इज फीलिंग एनवी और जेलस विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज मिली सेंड टैप्लो अवे। टैप्लो को मिली क्रॉकर हैरिस कैसे भेज देती हैं अवे? वो कहती हैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ दवाइयाँ हैं मेरी, ले आओ, और हस्बैंड तो अभी बाहर गए हैं, वो आधे घंटे तक एक घंटे तक नहीं आएंगे, सो यू कैन गो, और कुछ मेडिसिन देके अ प्रिस्क्रिप्शन, सी गिव्स अ प्रिस्क्रिप्शन टू द टैप्लो एंड सेज दैट यू कैन गो अवे एंड यू कैन गेट बाय दीज मेडिसिन। सो बाय दिस मिली सेंड टैप्लो अवे। एक क्वेश्चन आ सकता है अबाउट मिस्टर फ्रैंक, मिस्टर फ्रैंक किस तरीके के टीचर है? तो मिस्टर फ्रैंक इज अ साइंस टीचर इन स्कूल हु डज नॉट लाइक हिज सब्जेक्ट हिमसेल्फ, जिन्हें अपना सब्जेक्ट खुद ही पसंद नहीं, तो वो ऐसा टीचर है उन्हें खुद ही पसंद नहीं है, और वो थोड़ा एनवी फील करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, हु इज अ सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या होता है और वॉट इज अ सैडिस्ट? सैडिस्ट एक आया है जहाँ पे फ्रैंक कहता है कि मेरे टीचर सैडिस्ट नहीं है सर, ऐसे नहीं है। सैडिस्ट मतलब द पर्सन हु लाइक्स अ पेन ऑफ द अदर्स, जब किसी को पेन हो रहा है, किसी को दुख देने में जिस बंदे को मजा आता है उसे हम कहते हैं सैडिस्ट। तो ये सैडिस्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये थे आप ब्राउनिंग वर्जन, और वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग मैक, और अच्छे अच्छे वीडियोस हम डालते रहें।